दोस्तों, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम कैसे बाय कर सकते हैं जो लो फ्लोट स्टॉक होते हैं, मतलब जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसको हम कैसे बाय कर सकते हैं कहीं भी। तो पेनी स्टॉक्स को अगर आपको जीरोधा में बाय करना है, उसका तरीका है आपको TOTP स्टार्ट करना पड़ता है। वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और आप इजिली कोई भी स्टॉक है जो लो फ्लोट स्टॉक है आप उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, देखो तरीका क्या है। जैसे मैं इस स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ 100 क्वांटिटी, ठीक है, मैं 17 पैसे के आसपास इसमें बिट डालना चाहता हूँ, तो मैं लिमिट में CNC ऑर्डर प्लेस करूँगा एंड 17 में टाइप कर दूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका साफ लिखा हुआ है कि एरर आ रहा है कि ये स्टॉक रिस्ट्रिक्टेड है, आप इसको बाय नहीं कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट को। इसको अगर आपको बाय करना है तो आपको अनेबल करना पड़ेगा TOTP, ठीक है, तो इसको आपको अनेबल करना पड़ेगा। आपको इसमें क्लिक करना होता है, ठीक है, आप क्लिक करोगे तो जीरोधा आप एक आर्टिकल ओपन होता है, तो इस आर्टिकल को चाहो तो आप रीड कर सकते हो अच्छे तरीके से, समझा रखा कि आप कैसे कर सकते हो। जिनको नहीं समझ आ रहा है मैं उनके लिए छोटा सा बताता हूँ कैसे आप कर सकते हो। देखो अब आपको करना क्या है, ये करने के बाद ये भी देखो बाय नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बाय नहीं हो रहा है स्टॉक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अब क्या करने की आवश्यकता है, मैं सिंपली क्या जाऊँगा, अपनी यहाँ जाऊँगा भाई, इसमें जाऊँ फाइल में, ठीक है, माई फाइल में क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाऊँगा, ठीक है। पासवर्ड सिक्योरिटी में जाने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ा अगर नीचे जाओगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 फैक्टर TOTP डिसेबल हो रखा है, इसको आपको अनेबल करना है। उसको अनेबल करने का तरीका ये रहा, आप यहाँ पर अगर अनेबल पर क्लिक करोगे, मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरी जो रजिस्टर ईमेल आईडी होगी वहाँ पर मुझे एक ईमेल आ जाएगा, OTP आ जाएगा, तो OTP मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो OTP मेरे को मेरे जैसे यहाँ पर आया, मैं दिखा देता हूँ आपको, और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा अपने यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए। तो जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा, होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है, आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। वो एप्लीकेशन क्या होता है मैं आपको अब अपने सीधा फ़ोन में लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी समझने में। आपको अपना एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाके, गूगल ऑथेंटिकेटर, अरे गूगल टाइप लेना, हीरा नीचे दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख लेना, मैंने इंस्टॉल कर लिया, आप ही कर लेना। उसके बाद आपको करना है, करने के बाद दिख रहा होगा वहाँ पर QR कोड फ्लैश हो रहा था, स्कैन करना है, तो मैंने स्कैन कर लूँगा, मैं स्कैन कर लूँगा, अभी आपको दिख रहा होगा मेरी फ्लैश हो जाएगी, जो हमारी जीरोधा की आईडी होगी। तो आपको ऐड अकाउंट करना है, हमारा अकाउंट ऐड हो चुका है जीरोधा का, और जब भी यहाँ पहले डालूंगा 6 डिजिट TOTP जो यहाँ आपको दिख रहा है 643315, ये हमारा कोड है, और साथ में पासवर्ड डालूंगा जो मेरा करंट पासवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा, सबमिट करने के बाद ये दिखा देगा कि आपका TOTP ऑथेंटिकेशन इज नाउ अनेबल ऑन योर अकाउंट, ठीक है, हमारे अनेबल हो चुका है, इसको हम ओके करेंगे, बस खत्म। और हम अब इसको स्टॉक को बाय कर सकते हैं कैसे, अब मैं दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ आईडी में, देख सकते हो, ठीक है। दोबारा से लॉग इन करने के बाद ये आपका ये TOTP मांगेगा, तो आपको वो TOTP यहाँ से एंटर करना है। मेरे फ़ोन में आप देख सकते हो ये आया है, हमने इसको एंटर करा, हमने इसको हो गया, तो हमारा TOTP अनेबल हो चुका है। अब हम इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने का तरीका क्या होगा, आप बाय में क्लिक करिए, मैंने यहाँ डाली 100 क्वांटिटी CNC में डाल दी मैंने, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमारा ऑर्डर प्लेस होगा, हम इसको बाय भी कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, पहले 17 देख सकते हो, 17 में 325 है, मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस करा हूँ, देखो देख सकते हो ये लिमिट ऑर्डर प्लेस हो चुका है। आप जीरोधा में काइट में TOTP स्टार्ट कीजिए, और कोई भी जो छोटे स्टॉक है पेनी स्टॉक, आप डेफिनेटली अपने फोन में या अपने लैपटॉप में बाय कर पाओगे इजीली, ठीक है। चलो अच्छा लगा, डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मिलता हूँ आपको अपने अगले